हे फ्रेंड्स, तो कुछ दिन पहले जब जियो ने बोल दिया कि अब हमारे कॉल्स फ्री नहीं रहे, हमारे कॉल्स पे अब पैसे लगेंगे, तो क्या मानो सुनामी आ गया। बच्चे रोने लग गए, ये क्या क्या चाचा ने, ऐसे नहीं चलेगा चाचा, ऐसे कैसे चलेगा चाचा। तो फिर क्या, जियो ने अपना एक्सप्लेनेशन देना चालू कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ट्राई बोल रहा है, ट्राई फ्री नहीं कर रहा है, ट्राई वो नहीं कर रहा है। भैया हम तो लॉस में नहीं चला सकते ना, तो हमको भी कुछ पैसा लेने पड़ेंगे आपसे। लेकिन पब्लिक का तो कहना है पहले से ही हम इतने पैसे दे रहे, फिर से अलग से पैसे देंगे। भाई पेड़ क्या पे पैसे पे पेड़ उठता है क्या? क्या बोल दिया यार, पैसे पे पेड़ उठता है नहीं, पेड़ पे पैसे उगता है क्या? फिर जियो ने क्या क्या 10 का रिचार्ज, 20 का रिचार्ज, 30 का रिचार्ज निकाल दिया। बोल दिया कि 10 का रिचार्ज करेंगे तो आपको आउटगोइंग कॉल्स के लिए इतने मिनट मिल जाएंगे, 20 में इतना तीना, और उसके साथ कुछ डेटास भी मिल जाएंगे। लेकिन हमें इतनी समझ का है, हमें तो कुछ भी पैसे नहीं देने, अलग से रिचार्ज ही नहीं करवाना है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, हम दूसरा रिचार्ज नहीं करवाएंगे। और इसका फ़ायदा लेने आ गया एयरटेल, मानो धड़ाधड़ मैसेज कर रहा है कि फ्री, मतलब फ्री फ्री यानी कि बिल्कुल। तो एयरटेल इसका फ़ायदा उठाते हुए ट्विटर पे जियो को ट्रोल करने लगा, फिर क्या जियो ने भी फिर से ट्रोल करने लगा, और दोनों में छिड़ गया जंग। तो हमें क्या जंग से, हमें तो सिर्फ डेटाज लेने हैं फ्री के। और मार्केट में जब ऐसी खबर आने लगी कि जियो वाले अब एयरटेल में पोर्ट करेंगे, वोडा में पोर्ट, पता नहीं कहां कहां पोर्ट करेंगे, तो जियो के बाद हजम नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके, क्रांति करके जियो आए थे इंडिया में। तो क्या लॉन्च कर दिया दूसरा प्लान, एयरटेल वोडा सोडा को टक्कर देना, फिर से लॉन्च कर दिया जियो ऑल इन वन प्लान्स। तो मुद्दे की बात करते हैं, जियो ऑल इन वन प्लान्स यानी जियो ने फिर से नया प्लान लॉन्च कर दिया है। इधर आपको 1 महीने के लिए आपको 222 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 2 महीने के लिए 333 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और 3 महीने के लिए 444 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल है कि आप यहाँ पे से कोई भी रिचार्ज चुन लो, आपको 2 GB एवरीडे मिल जाएगा, यानी कि हर रोज़ का 2 GB डेटा मिलेंगे, उसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, यानी जियो टू जियो, जियो टू लैंडलाइन, जियो टू पाइपलाइन, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, किधर भी कॉल करोगे आपको फ्री ही फ्री मिलेंगे। लेकिन जियो टू अदर नेटवर्क्स यानी कि अगर आप इनके राइवल्स पे कॉल करते हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडा, सोडा, इन पे कॉल करेंगे, तो इसके लिए ये आपको 1000 मिनट्स देंगे, 1000 मिनट्स देंगे, जिसके थ्रू मुझे लगता है आपका 1 महीना हो जाएगा शायद। लेकिन अगर उससे भी नहीं होता है तो आप इस रिचार्ज करने बाद 111 का फिर से दोबारा से कर सकते हैं, जिससे आपका 1 महीना एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपको दोबारा से 1000 मिनट्स मिल जाएंगे। तो ये जो प्लान है आपके जियो में अपडेट कर दिया गया है, आप जब रिचार्ज करने जाएंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे जियो ऑल इन वन प्लान्स, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और सारे के सारे प्लान्स आ जाएंगे। यहाँ पे 4 प्लान्स रिवील किया गया है, 222, 333, 444, 555, और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं आपको कितने रुपये में कितने GBs मिलेंगे और कितने दिन के लिए मिलेंगे। बाकी जो 1000 मिनट्स है ये आपको हर किसी प्लान में मिल जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी प्लान चूज कर लीजिए, आपको 1000 मिनट्स मिलने ही वाले हैं। बाकी अगर आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप इसके साथ 111 के फिर से रिचार्ज कर लीजिए, आपको GBs भी मिल जाएंगे और उसके साथ 1000 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जियो के इस न्यू प्लान के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे अभी भी लगता है कि जियो का ये प्लान अभी भी राइवल नेटवर्क से के मुकाबले में थोड़ा बहुत चीपर है, क्योंकि जियो हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और बाकी सारे उसे कॉपी करना चालू कर देते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि जियो जितने सारे नेटवर्क है इनमें से जियो बेस्ट है, क्योंकि जियो में और भी बहुत सारे सर्विसेज मिल जाएंगे जो और किसी नेटवर्क पे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत प्रेम हो मेरे जियो से या फिर कुछ और आपका शायद ना भी हो। जो भी हो, नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए, पर लाइक करने में क्या जाता है, अंगूठा का छाप देना जैसा ही है, थोड़ा लाइक कर दो यार, इससे मेरे दिल को थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ फैला दो। थैंक यू।